अब ये स्लाइडिंग जो है मुश्किल है बहुत, वो बड़ी मुश्किल से उठा 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 के। आप देखेंगे कि ये स्लाइडिंग डोर ऐसे आप जब मूव कर रहे हैं तो ये घिस चुका है, ये देख रहे हैं आप, तो ये घिसे हुए को आपको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए आप पूरी तरह से देखेंगे घिस चुका है, और ये वाला जो है ये घिसा नहीं है, ये भी घिस रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये वाला ज्यादा घिस चुका है। तो ऐसे केस में आपको बस एक चीज करनी है, आपको कुछ चीजें बदल देनी है, वो हम फटाफट दिखा दें। ऐसे ये खिड़की इधर को ऐसे ये लॉक हो जाती है, तो इस वाले हिस्से में आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ हिस्सा है, इसमें यहाँ पे पेच होंगे। अब आप पेच देखेंगे, एक पेच येरा, एक पेच येरा का, हाँ एक पेच यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक पेच है और एक पेच ये यहाँ पे, ये स्लाइडिंग में होता है, इसको उठा उठा के करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पेच जो है ये खोलना है, ये सेम पेच नीचे भी लगे हैं, सेम पेच उस साइड भी लगे हैं, आपको ये सारे पेचों को खोलना है। सबसे पहले यहाँ पे एक पेच लगा है, उस पेच को आप फटाफट खोल देंगे। पहले आपको पूरे फ्रेम को, ये फ्रेम, ये इसका, फिर ये वाला हिस्सा, और साथ में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो इन सबको जब आप खोल देंगे तो ये खिड़की जो है ये स्लाइड वाली ये बाहर आ जाएगी। अब इस तरफ का भी पेच आप पेच कर से ऐसे खोल दें, देखिए इस तरह से ऐसे बाहर आ जाएगा, ये देखिए बाहर आ गया, ये एक साइड वाला बाहर आ चुका है इसी तरह से, और सेम आप इस वाली साइड से, लेफ्ट वाली साइड से आप खोल देंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला भी बाहर आ जाएगा। आपको बहुत ही आसानी से ये वाला पीस भी बाहर आ जाएगा, देखिए किस तरह आराम से ये वाला पीस भी पूरी तरह से बाहर आ जाता है। आप देखिए ये पीस भी बाहर आ चुका है, तो ये ऊपर वाला आप दोस्तों देखेंगे कि ये एकदम से बाहर आ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो खिड़की जो आप निकालना चाह रहे हैं वो ऊपर वाले से ये ऐसे इस तरह आपकी कुछ इस तरह आपकी खिड़की आपके आपकी ये देखिए ये ऐसे कुछ टायर आपके उसमें लगे रहेंगे निकले हुए हैं। ये रहा यार इसके नीचे था, ये टायर जो है ये टायर के घिसने की वजह से देखिए कि ये टूटी चुका है, आपका जो स्लाइडर खिड़की है दोस्तों वो बाहर आ जाएगी। और आप देखेंगे कि ये आप ऊपर वाला पहले खोल देंगे तो तीनों साइड का आप खोल दें और नीचे का आप अंत में खोल लें, क्योंकि नीचे का वाला जो है वो घिस जाता है अगर आपके टायर ना बदले तो। ये देखिए ये घिस चुका है पूरी तरह से, रंग इसका ऐसा ही था सफ़ेद, लेकिन अभी सिल्वर सिल्वर हो चुका है, अब ये भी उतर के नीचे आ गया। तो आप देखेंगे अगर आप उनको इस वाले को आप ऊपर वाली साइड तो कुछ नहीं है, आप देखो खराब हो चुके हैं हाँ, और अगर आप इसको उल्टा करके देख दें एकदम रोटेट कर दें 90 डिग्री तो आपको यहाँ पे ये रोलर्स दिखेंगे रोलर। ये देखिए ये रोलर, देखिए ये रोलर कुछ इस तरह से यहाँ पे लगे हुए टूट गए, यहाँ पे लगे रहते हैं, इसका एक हिस्सा टूट हुआ है क्योंकि इन रोलर्स की जो क्वालिटी है देखिए ये यहाँ पे ऐसे कुछ हाँ ये कुछ इस तरह यहाँ पे लगे रहते हैं, लेकिन अब ये टूट चुका है, तो टूट चुका है मतलब कि ये ऐसा हो गया, तो अब ये जो है अब सिर्फ यही जो ये पेच है ये आपकी जो किनारी है उस पे घिसता रहेगा, एक पेच पे लगाए हुए थे। तो आप इनको क्या करना है, आपको इसके बजाय आपको एक अच्छे वाले रोलर लेने और उनको लगा देना है, तो अच्छे वाले रोलर कहाँ होंगे, अच्छे वाले रोलर होंगे देखिए स्टील के आपको ये वाले रोलर मिल जाएंगे, ये देखिए इनको आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपको इस पर बिठा देना है बस ऐसे, और जब आप इसको ऐसे बिठा देंगे तो ये वाला जो नया काम करने लगता है। इस तरह से आपने यहाँ पर बिठा दिया और पेच कस देने हैं दोस्तों आपने, ये नीचे याद रखिएगा कि ये इस ये जो खिड़की है इसके नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नहीं, क्योंकि नीचे वाली साइड पे ही टायर लगे, ये उल्टा रखा हुआ है, और कुछ नहीं करना है आपने, बस दो पेच खींचे हैं। देखिए आप दोस्तों ये प्लास्टिक है और ये पूरी तरह से प्लास्टिक और ये घिस चुका है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहिया घिस चुका है, लेकिन ये वाला पहिया देखिए दोस्तों एकदम नया है। ऐसे आपको दो जगहें मिलेंगी, एक यहाँ पे और एक आगे थोड़ा सा आपके इसमें यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे आपको ये पुराने वाले पहिए बदल के ये नए वाले पहिए लगा देने वाले। से आपने इसमें छेद कर देने हैं और इन छेदों में आपको लगा देने हैं पेच दोस्तों, पेच और इस तरह से दोस्तों आपने दोनों पेच लगा देने हैं दोस्तों।
दोस्तों आप जब ये पेच लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पेच जो हैं वो इन टायर से ऊपर नहीं होने चाहिए। दोस्तों आप एक बार देखेंगे कि आपने दोनों साइड के नीचे वाली साइड में आपने ऐसे नए वाले वो लगा देने हैं और इस तरफ भी आपने नए वाले वो लगा देने हैं। आप चाहें तो आपके उसमें शायद बीच में भी छेद हो तो आप बीच वाली टायर को भी बदल लेना और ये नए वाले टायर से आपको दिखेगा कि आपकी खिड़की एकदम स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों अब वापिस चलते हैं हम इसकी तरफ। इस चैनल आप बराबर साइज का काट लें और फिर उसको रखते हैं। मारू तो आप इस तरह देखेंगे आपका जो नीचे वाला चैनल है हो गया फिक्स, एकदम फिक्स हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें कुछ गिने चुने एक दो या तीन जितने आप छेद चाहें उतने छेद। तो आप ऐसे कुछ छेद यहाँ पे कर दें, एक छेद यहाँ पे जितने आपके नीचे वाले पुराने वाले चैनल पे थे, इसको आप पेच लगा दें साथ साथ और स्टील के पेच कस दो और स्टील के पेचों को कस दें कुछ ऐसे पेच। चैनल है नीचे वाले चैनल के देखेंगे आप ये नया वाला है और ये आप अगर पुराना वाला देखेंगे पुराने वाले में आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा घिस चुका है ना दोस्तों। और ये इसमें आप देखिए हमने सबसे पहले नीचे वाला लगाया। आपको मैं कहूंगा कि आप जो ऊपर वाला चैनल है जिससे आपने उतारा है वो बाद में लगाएं। ऊपर वाला आपने अंत में लगाना है जैसे आपने खोला था उसी तरह से। ये पेज को आप लेंगे और एक पेज को आप उसको वहां पे लगा। और इसके साथ आपके इस साइड का भी लग जाएगा और ये आप दोनों साइड का लगाने के बाद आपका काम पूरा हो चुका है। आपका जो ये स्लाइड वाला जो पहले अटक अटक के चल रहा था अब देखिए किस तरह से बस हल्की सी ये करने पर देखिए कैसे किस तरह से अपने आप चल रहा है। ये देखिए अब आपकी जो ये खिड़की जो पहले इस पे अटक रही थी अभी नए वाले स्लाइडर पे एकदम ऐसे भागेगी जैसे मक्खन हो। ये देखिए देख रहे हैं और ये देखिए ये वाला भी ऐसे ही भागेगा जैसे मक्खन हो। ये आप हल्का सा ऐसे खोलिए और ये देखिए इस पे देखिए अगर मैं हल्की सी पुश भी करता हूँ ये तब भी देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और पुराना वाला आप देखेंगे तो पुराना वाला ये देखिए ये पड़ा इसमें ऐसे जंग या घिसी गया ये देखिए। और ये नए वाले में देखिए चेहरा अभी एकदम नया है। तो बस इतना ही करना है आपको, नए ये टायर बदल के आपको नए टायर लगा देने।